हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफी बोरिंग होने वाला है क्योंकि CHSL 2020 का रिजल्ट आ चुका है और फिर से इसने जॉब निकाल लिया यार। फिर जॉइनिंग लेटर आएगा, फिर मिठाई फिर पार्टी लेना होगा, फिर दोनों जाना। जिस तरह CGL 2020 का फाइनल रिजल्ट आया, जॉब लगा, फिर CHSL 2020 का भी फाइनल रिजल्ट आ गया, इससे भी जॉब लग गया है कि नहीं? अब दो दो ज्वाइनिंग लेटर्स आ गए हैं, दो बार वीडियो बन रहा है, रिएक्शन वीडियो दो बार। आज हम लोग दोबारा आज फिर हम लोग पार्टी करेंगे, फिर हम लोग ये लोग हमको डेली बोलेगा भाई पार्टी दे, भाई पार्टी दे, भाई पार्टी दो, पार्टी दो। एक पार्टी क्यों में और एक पार्टी क्यों में होगी। फिर से घर वाले रिश्तेदार को फोन करेंगे, है ना, फिर से सारा रिश्तेदार का कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा, फिर से हम सबको थैंक यू बोलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यार, दो दो जॉब लेकर। और सबसे खुशी तो ये हो रहा है कि एक बार CGL क्रैक करने के बाद CHSL में जॉब लिए हैं। वाह भाई, कितना बड़ी बात है। लेटर भी आएगा भाई घर में, और कितनी बड़ी बात है ये यार। अभी जाके फेसबुक में पोस्ट भी तो करना है, जल्दी 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 कर लेते हैं भाई। फेसबुक इंस्टा में दो दो को ज्वाइनिंग लेटर, दो दो को सरकारी नौकरी तुरंत। भाई कितना मजा आएगा बोलो, लोग बोलेगा, लोग तुमको बोलेगा तुम कितना अच्छा है। दो दो जगह जॉब भी जाएगा नहीं? अरे भाई सुनिए, देखिए नहीं, एक पैर रखेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक पैर रखेंगे CGL, एक पैर रखेंगे CHSL पे, दो जगह। तो बैंगलोर और कोलकाता दे दिया लोगे। सुबह फ्लाइट से बैंगलोर फिर आएंगे कोलकाता। देखिए करना हमको देना। अब मेरे को लगता है आप लोग समझ गए होंगे आज का वीडियो क्या टॉपिक था। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा झूठ नहीं है। CHSL 2020 का फाइनल का जो कट ऑफ आया ना, वो 222 मार्क्स है और मेरे मार्क्स 231 है। हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लेना। टीयर 1 में 170 था, टीयर 2 में 61 था, टोटल 231, और टाइपिंग में 99% एक्यूरेसी था, सब कुछ क्लियर था। बट हम डीवी स्किप कर दिए थे। रीजन सिर्फ इतना क्योंकि डीवी से जस्ट दो दिन पहले CGL का रिजल्ट आ गया था जो हम लोग वीडियो बनाए थे। तो भाई एक बात बताओ, ये वीडियो हम इसीलिए बनाए हम लोग, अगर हम उस दिन डीवी में चले जाते दीपक तो जॉब मेरा आज लग जाता और हम ज्वाइन भी नहीं करते, खाली यही करते कि दो बार मिठाई बांटता, दुनिया को बोलते फ्रेम वाला का कमाई होता। सही है, वो जो ज्वाइनिंग लेटर आता उसको फ्रेम करके टांगते, जो कि काफी जन करते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग चूज किए नहीं करना है। इन लोग भी हमको बोला सर एकदम जाना ही नहीं है आपको, एकदम नहीं जाना है, और हम भी डिसाइड कर लिए थे कि नहीं जाना है। और आज कहीं ना कहीं जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है दीपक, जो एंड वाला, उसके सिलेक्शन में छोटा सा रोल मेरा भी है एंड आई एम वेरी हैप्पी। जो भी लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, क्योंकि अगर हम चले जाते तो 220 मार्क्स वाला का कैसे सिलेक्शन, 2×2 वाला का नहीं होता ना, और मेरा हम सीट वेस्ट कर देते। मेरे को नहीं पता कितने स्टूडेंट ऐसे किए, लेकिन हमको पक्का गारंटी लिख कर बोलते हैं, एक तो ज़्यादा ही होगा भाई जो ऐसा काम किया है। जो लोग मतलब ज्वाइनिंग लेटर आता है फ्रेम करके दिखाएगा, मतलब क्या दिखाएगा भाई, फ्रेम करके कागज का टुकड़ा फ्रेम बनेगा, लेना तो भाई दूसरा जॉब है तो वाला कहाँ लेना भाई। जब बड़ा जॉब आ चुका है तो छोटा जॉब लेकर बस वो फ्रेम कराने वाली ही बात हो जाती है। और जैसा कि हम लोग शुरू में बोल रहे थे कि दो बार मिठाई बटेगा, दो बार जॉब लगेगा, दो बार पार्टी होगा, ठीक है। अब आप ये मत, अब देख भाई ये लोग हमको ये मत गाली देना कि आप तो CGL 2021 में भी लोगे। भाई उसमें हम अलग ऊपर आएगा तो हम लेंगे, प्लीज वाला पोस्ट आएगा, वेरी गुड। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हम कुछ करते तो हम UPSC का तैयारी करेंगे और हम वापस से CHSL, MTS, NTPC, रेलवे सब एग्जाम क्यों दे। तो यही आपको बताना था कि CHSL का रिजल्ट आया और अगर हम डीवी में चले जाते तो आज एक बच्चे का जॉब वेस्ट हो जाता। तो आई एम वेरी हैप्पी, कसम से बोल रहे हैं आपको, दिल से इतना खुशी हुआ ना रिजल्ट देखकर। आप बोलोगे नाम तो नहीं तो क्या चाहिए खुशी, खुशी ये हुआ कि जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसका जॉब लिया। इतना खुशी तो साला CGL के खुद के रिजल्ट पे नहीं भाई, अपने लिए मतलब इतना कुछ दूसरों के लिए भी सोच भाई, अपने लिए सही है। तुम पढ़ने में अच्छा है, इतना इतना जॉब निकाल रहा है, लेकिन क्या फायदा डीबी में जाके, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसका कोई फायदा नहीं। किसी और का जॉब लगा तो एक अच्छा चीज हुआ ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। आज किसी और एक जन को मौका मिला कि वो ऐसा वीडियो बना पाए और असली में वीडियो बना पाए, हम लोग CGL का सेलिब्रेट किए थे। जो ऐसा करता है मतलब ज्वाइनिंग लेटर आएगा और स्किप नहीं करता है, गलत है भाई। मतलब ऐसा लोग को सीरियसली बोले शर्म आना चाहिए, अगर कोई ऐसा काम किया है जिसको CGL का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, उसको पता था कि मेरा जॉब लग गया है, फिर भी वो CHSL के डीवी में गया और फिर से जॉब ले लिया, अगर आप सेलिब्रेट भी करते हो ना, थू है आपके ऊपर। ऐसा सेलिब्रेशन कोई काम का नहीं है दोस्त। आज किसी एक का घर यार कितना, कोई नॉर्मल ऐसे भी भाई कोई रिच लोग नहीं होता जो ये सब SSC का तैयारी करता है, सबका बैकग्राउंड बहुत लो रहता है। आज उसका पूरा परिवार सवर गया होगा जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है। और हाँ, ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे और भी होंगे जो डीवी स्किप किया, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद सभी की ओर से, मेरी ओर से भी, कि आप लोग नहीं गए मेरी तरह CHSL के डीवी में, ताकि और इतने सारे स्टूडेंट्स का जॉब लग पाए। जो डीवी स्किप किया भाई मेरे तरफ से पार्टी हो, अरे एकदम पार्टी। आप
मैसेज करना अगर कोई है जो ऐसा मतलब हम लोग जैसा किया है कि मतलब सीजीएल में जॉब लग गया और डीवी में नहीं गया, तो आप प्लीज मैसेज करना, ठीक है? अपन साथ मिलके पार्टी करेंगे। पार्टी लेंगे किससे बोल तो सीएचएसएल वाला कैंडिडेट से। सर आप जो डीवी स्किप किए तो कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा ना, अंदर हम से खुशी दिल मिलता से है। बोल रहे हैं आपको, जब मेरा सीजीएल का रिजल्ट आया था हम लोग यहीं पे थे, थोड़ा आसपास यहीं पे वीडियो बना रहे थे, तब जो खुशी था ना हैप्पीनेस दीपक, आज ना उससे हमको चार गुना ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है कि कोई और को हम मौका दिए, कि चलो मौका नहीं दिए सॉरी, हम किसी का सीट वेस्ट नहीं किया, उसका अपना मेहनत था, लेकिन अगर हम चले जाते तो आज उस बच्चे का उसका माँ बाप को ये खुशी नहीं मिल पाता यार। मेरे मम्मी को ये चीज हम बोले, सी इज वेरी प्राउड, सी सेड कि बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे तो अच्छा लगता कि दो दो नौकरी लिया हम बोलते, लेकिन ये जो सोच है ना कि चलो दूसरा को ये मौका मिले, क्यों फालतू का वेस्ट करना जब जॉब लगेगा, सॉरी जॉब जाना ही नहीं है, जब ऑडिटर में हो ही गया है तो काहे ना तुम LDC या फिर पोस्टल असिस्टेंट जो भी क्यों ही आप जाओगे, कोई सेंस नहीं बनाएगा। अपने लिए तो सभी जीता भाई, दूसरों के लिए भी करो तब ना मजा आएगा। बहुत अच्छा लगा है और NTPC वाला भी डीवी स्किप नहीं जाना है एकदम, आज तो एकदम फील हो गया पूरा, तो यही है। और फिर डीवी स्किप होगा जब 2021 में अगर वो पोस्ट नहीं मिला तो वो भी स्किप करना है भाई। हाँ सही बात है एकदम, अगर 2021 में मेरे को अपना मनचाहा डिसाइड पोस्ट नहीं मिलता, वापस ऑडिटर ही मिलेगा, तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, सही बात है, स्किप कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग प्लीज प्रे करना कि 2021 वाले सीजीएल में जो मेरा छोटा सा हम हेल्प किए 2020 में मेरे को मेरा ड्रीम जॉब मिल जाए। बस यही छोटा सा मैसेज देना था और होप करता हूँ आप सबको समझ भी आ गया होगा। और भाई सैल्यूट आप जैसे लोगों को जो CGL, CHSL, MTS तीनों में जॉब लिए, दुनिया को दो को तीनों को ज्वाइनिंग लेटर सुन, जो आ इधर बताओ, सैल्यूट दो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को तो पता नहीं बेल्ट लेटा के बेल्ट से मारना चाहिए भाई, सीरियसली बोल रहे हो, भी तेल लगा के नारियल का, सीरियस मूड खराब हो जाता मेरा सुनकर। कमेंट में करेगा भाई वो लोग भी जो है, वो लोग बहुत गाली देगा, बट कोई इश्यू नहीं है भाई, आप ऐसा किए हो आप बहुत गलत किए हो। और ये मैसेज ये वीडियो सभी एस्पायरेंट्स के लिए रहेगा, फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए, आपसे भी जितने लोग CHSL का जॉब लगा, अगर MTS का डीवी में गया ये लोग तो भाई शराब दे दिएगा, घेरा जाएगा, घेरा घेर के MTS वगैरह के डीवी में नहीं जाओगे आप, क्यों जाओगे भाई, नहीं भाई दूसरे लोग को मौका दो, कहां जाएगा भाई, बिना मतलब। सो थैंक यू एवरीवन, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो यार, और ये वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो और सच में हैप्पी, आज हम लोग पार्टी करेंगे भाई, हाँ भाई। आज हम लोग पार्टी करेंगे, पता है पार्टी का वीडियो भी ब्लॉग भी डालेंगे, किसके लिए पार्टी, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, हाँ, जो जिसको सीट मिला, जिसको जॉब मिला उसके लिए आज हम लोग पार्टी करेंगे। ओके जी चलिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई, ठीक है।